वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीबीसी के दफ्तर में आईटी विभाग ने रेड मारी है। मुंबई और दिल्ली में आयकर विभाग का ये एक्शन। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी की कार्रवाई। आईटी ने कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए हैं। दफ्तर के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है और अंदर जो है उनके बाहर आने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की गई थी, जिस डॉक्यूमेंट्री पर कई बवाल हुए। उस डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने बैन भी कर दिया था, जिसके बाद भी कई जगह ये डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया। और इसके बाद एक्शन लेते हुए बीबीसी पर, आज बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी विभाग ने, आयकर विभाग ने रेड मारी है। दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में आईटी विभाग अचानक पहुंची। बीबीसी पर एक्शन। दिल्ली मुंबई के दफ्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। बीबीसी कर्मचारियों को घर जाने को कहा गया है। बीबीसी दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले डॉक्यूमेंट्री बैन की और अब दफ्तरों पर रेड। दिल्ली मुंबई के बीबीसी दफ्तर पर आईटी विभाग का सर्च ऑपरेशन। बीबीसी के मुंबई ऑफिस में भी आईटी का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रसारित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, उस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन भी कर दिया गया था। और कांग्रेस ने इस रेड का साफ विरोध किया है और कहा है कि ये सरकार की नाकामयाबी है। दफ्तर के अंदर और बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। कर्मचारियों को घर जाने की अनुमति दे दी गई है। टैक्स चोरी का आरोप बीबीसी पर लगा है और अचानक आईटी की इस रेड से राजनीतिक गलियारों में तो हड़कंप है ही, साथ ही अब इसकी चर्चा हर जगह होने वाली है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले डॉक्यूमेंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ था, इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करवा दिया गया था, इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कई प्रदर्शन किए गए, इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसके बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से वायरल हुई। इस डॉक्यूमेंट्री को इसीलिए बैन किया गया था कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे, और जिसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री को जानबूझकर कई जगह प्रसारित किया गया, जेएनयू में या फिर कई जगह पर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया, टाटा इंस्टीट्यूट में मुंबई में भी दिखाया गया था, जिसके बाद भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। और बीबीसी पर कार्रवाई करते हुए अब ये कार्रवाई की गई है कि सीधा आयकर विभाग के निशाने पर अब बीबीसी आ गई है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर पर छापेमारी जारी है, सर्च ऑपरेशन की जा रही है, कर्मचारियों का फोन ले लिया गया है। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने एतराज जताया है और कांग्रेस का कहना है कि ये गलत है, देश में अघोषित आपातकाल लागू है। कांग्रेस ने बीबीसी पर एक्शन पर आईटी का विरोध किया है और साफ कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल।